हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स अमाउंट पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ़ एजुकेशन पढ़े थे आज हम रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक फिलोसफ़ी एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो लेट्स स्टार्ट सो रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलोसफी एजुकेशन एंड फ़िलोसफी आर क्लोज क्लोजर एंड इनसेपरेबल मतलब ये दोनों ऐसा चीज़ है जो कि सेपरेट नहीं हो सकते देख, दे, देखने से एजुकेशन इज द कंसर्ट

एंड विदाउट एजुकेशन फिलोसफी उड़ बी ए क्रिपुल मतलब एजुकेशन के बिना फ़िलोसफी कुछ काम का नहीं वैसे ही एजुकेशन के बिना फ़िलोसफी भी कुछ काम का नहीं द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन इच एक्सप्लेन एच फिलोसफी एसेट्स एजुकेशन इन अंडरस्टैंडिंग मैन हिच लाइफ हिच एक्शन आइडियाज एंड प्रोब्लम इसका मतलब क्या है फिलोसफी एंड एजुकेशन मिक्स होकर क्या करते हैं ह्यूमेन का हिच लाइफ का हिच एक्शन का आइडिया का प्रॉब्लम का यही सब अंडरस्टैंड करते हैं समझाते हैं सब फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू कॉइंस ऑफ द सेम कॉइन ये एक ही कॉइन का दो साइड के जैसा है एक के बिना दूसरा अधूरा है प्रेजेंट डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम थिंग्स एंड दैट वन इज इम्प बाय द अदर एंड हुच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर दोनों एक आने से दूसरा जरूर आएगा देन फिलोसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टू च एजुकेशन हेच टू गो एजुकेशन किधर जाए किस तरफ जाएगा वो फिलोसफी से ही डिटरमाइन किया जा सकता है एजुकेशन इच कॉन्शियस डायनामिक प्रोसेस विच नीड्स प्रॉपर गाइडेंस एंड सुपरविज़न फिलोसॉफी डिटरमाइंस द गोल्स ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड सुइटेबल एंड एफेक्टिव गाइडेंस एंड सुपरविज़न फॉर एजुकेशन टू अचीव दैट गोल मतलब फिलोसफी हमको डिटरमाइन करता है कि कौन सा एजुकेशन का गोल क्या है क्या है वो सब फिजिक फिलोसफी से पता चलता है Then, एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी डायनामिक मतलब उसका साइड है जैसे कि टू थिंग्स आर एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग एनी टास्क टू चीज़ चाहिए दो चीज़ एक है थॉट और प्लान एंड एक है एप्लीकेशन और प्रैक्टिसिबिलिटी एक में हम लोग प्लानिंग करते हैं और दूसरे में उसको अप्लाई करते हैं फिलोसफी क्या है उसका अगर थॉट है तो एजुकेशन उसका एप्लीकेशन है और जो प्रैक्टिकल साइड है एक थ्योरी है थ्योरी है फिलोसफी और एक्शन जो है वो है एजुकेशन दस एडम्स हैच राइटली साइड एजुकेशन इज़ द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी तो ये जो एडम्स बोले थे यही से प्रूव होता है कि एजुकेशन इज़ द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी देन एम ऑफ एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एजुकेशन का एम होता है वो बिहेवियर को मॉडिफाई करे और वो जो डिरेक्शन जिस डिरेक्शन में वो मॉडिफाई होगा उसको बोलते हैं फिलोसफी तो वो उसको वो फिलोसफी डिटरमाइन करता है देन फिलोसफी डील्स विद द एंड एंड एजुकेशन डील्स विद द मीन्स मतलब फिलोसफी से उसका एंडिंग क्या होगा पता चलता है और ये एजुकेशन से वो किस तरफ से चलेगा किस मीन्स से होगा वो पता चलता है ऐसे ही बहुत सारे लोग दिए हैं जैसे कि एजुकेशन इज द एक्टिव एस्पेक्ट एंड फिलोसफिकल बिलीफ द प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ रियलाइजिंग आइडियाज ऑफ लाइफ देन द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेंड कम्प्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलोसोफी ये बोले हैं फिचेन देन नेक्स्ट ऑलमोस्ट ऑल ग्रेट फिलोसोफर्स एंड ग्रेट एजुकेटर्स एंड ग्रेट एजुकेटर्स एज ग्रेट फिलोसोफर्स बहुत जो बड़ा बड़ा फिलोसोफर हैं वो एक ग्रेट एजुकेटर हैं और जो ग्रेट एजुकेटर हैं वो एक एक ग्रेट फिलोसोफर हैं जैसे कि एग्जाम्पल में आते हैं सक्रेटिस प्लेटो एरिस्टोटल रूसो डिवी स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद रविंद्रनाथ टैगोर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गांधी जी ये सब एक एक एजुकेटर भी थे और एक एक फिलोसोफर भी थे देन फिलोसफी एंड एम ऑफ एजुकेशन फिलोसोफी क्या करता है हेल्प करता है हम लोग को हमारा एम एम जो है आइडियल जो है उसको चूज करने में और डिटरमाइन करने में देन फिलोसफी एंड करिकुलम हमारा जो करिकुलम है वो सबको फिलोसफी से ही पता चलता है फिलोसफी हेल्प्स इन करिकुलम कंस्ट्रिक्शंस कंस्ट्रक्शन फिलोसफी कंसिडर द इंटरेस्ट एबिलिटीज एंड एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड हेल्प्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम हमारा जो करिकुलम है उसको फिलोसफी से ही हम लोग पा पाएंगे देन गांधी जी स्कीम ऑफ द बेसिक एजुकेशन वाज एक्सप्रेशन ऑफ हिच फिलोसफी जो गांधी जी का जो एम था एजुकेशन का जो फिलोसफी वो सब फिलोसफी से पता चलता है देन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एटी सिक्स ले स्ट्रेस ऑन ए कोर करिकुलम कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन आइडियालीज फोकस्ड ऑन ह्यूमेनिटीज रिलीजियन आर्ट म्यूजिक एसेट्रा तो ये जो भी है जो हम लोग जो करिकुलम बनाते हैं वो सब ये फिलोसफी से ही बनाते हैं देन है फिलोसफी एंड टेक्सट बुक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक मस्ट मिरर जो हमारा जो फिलोसफी है हमारा जिस फिलोसफी था उसी का ही एक मिरर है हमारा टेक्स्ट बुक देन फिलोसफी एंड मेथड ऑफ टीचिंग हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग देते हैं डिफरेंट टीचिंग मेथड्स है वो सब फिलोसफी उसका फिलोसॉफी है फिलोसफी ऑलवेज हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग लोगों का जो फिलोसॉफी आएगा उसी से ही हम लोग मेथड डिफरेंट मेथड आ रहा है देन फिलोसॉफी एंड द टीचर ए ग्रेट ए टीचर इज सेट टू बी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड मॉडलिंग द आइडियाज हैबिट्स मैनर्स टेस्ट एंड वे ऑफ लाइफ एंड

रोल ऑफ टीचर्स इन द एजुकेशनल प्रोसेस हमारे जो एजुकेशनल प्रो, प्रोसेस है सब में एवरी मतलब हर फिलोसफी में टीचर्स का रोल के बारे में बताया गया है जैसे आइडियलिज्म में है टीचर ऑट टू बी प्लेड आइडियल एंड एक्टिव रोल उसमें वो आइडियल एंड एक्टिव रोल प्ले करता है जैसे नेचुरलिज्म में क्या करता है टीचर बिहाइंड द स्क्रीन एंड हेल्प द चिल्ड्रेन वो स्क्रीन के पीछे रह के उसका हेल्प करता है प्राग Prag, प्रागमेटिजिम में क्या होगा प्रागमेटिजिम में स्पीक्स टीचर शुड बी ए फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड फॉर स्टूडेंट उसमें वो टीच टीचर एक फ्रेंड होगा उसका गाइड बनेगा एक, ऐसे ही बहुत सारे फिलोसफी है उसी में टीचर्स का इंपोर्टेंट रोल है और यही सब कहाँ से पता चलता है जो फिलोसफी है फिलोसफी एंड टीचर्स वहाँ से देन फिलोसॉफी एंड डिसिप्लिन फिलोसॉफी डिटरमाइंस द नेचर एंड फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन फिलोसॉफी क्या डिटरमाइन करता है जो नेचर है जो डिसिप्लिन का वो सब कैसा फॉर्म का डिसिप्लिन है कैसा नेचर है उसको सब दिखाता है एवरी फिलोसॉफी एम्पासाइज डिसिप्लिन इन दे आयर ओन वे सब अपने अपने वे, वे में ही दिखाते हैं फिलोसॉफी कैसा होगा क्या आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी में डिसिप्लिन एज मोस्ट एंड कॉम्पन सॉरी कॉम्पल्सन वर एज द नेचुरलिस्टिक फिलोसॉफी एम्पासाइज ऑन फ्रीडम एंड दे डिनाइड द डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट ऐसे दूसरा मतलब अलग अलग फ़िलोसफी में क्या है डिसिप्लिन को अलग अलग वे में दिखाया गया है एन फिलोसॉफी एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डेमोक्रेटिक फ़िलोसफी लेस एम्पासाइज ऑन द पार्टीशंस ऑफ़ द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स इन रनिंग वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट है वहाँ पर सब टीचर होता है स्टूडेंट होता है स्टाफ जो होते हैं वो सब मिल ही काम करते हैं रनिंग कराते हैं तो ये भी एक फ़िलोसफी है डेमोक्रेटिक फिलोसॉफी है ये तो बेस्ट ऑन अब डिस्कशंस इट इज अंडरस्टूड दैट देयर इज ए क्लोज एंड इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी तो ये बाकी ये सबसे हमको ये पता चलता है कि एजुकेशन एंड फिलोसफी में एक इनसेपरेबल एंड क्लोज रिलेशन है सो so, आज के लिए इतना है थैंक यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट्स फर अमाउंट